कुछ करिए बस बस बड़ा बोर है अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। वेलकम ऑन दिस करंट अफेयर सेशन ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आपके सामने है आज की टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्जर्व ऑन 28 सितंबर। सूचना की सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वस्तुतः डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है और इसकी थीम रखी गई है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है टेनिस को लेके। टेनिस में वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन पेरिस में शुरू किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा होता है, इसमें 4 ग्रैंड स्लैम तो आपको पता ही हैं, और जो लास्ट का है हमारा फ्रेंच ओपन वो पेरिस में शुरू किया गया है। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और लास्ट में होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है। फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने 2020 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है। ठीक है, इनका कौन से गेम से रिलेटेड है आपको पता ही होगा, फॉर्मूला 1 रेसिंग। और इसमें अभी तक हमने काफ़ी फेमस थे वो लुइस हैमिल्टन, उनका नाम देखा था, और हमारे सामने एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है वाल्टेरी बोटास और जिनका संबंध फार्मूला 1 रेसिंग से है और ये फिनलैंड से रिलेटेड हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला 1 जो हमारी चैम्पियनशिप हुई है 2020 में, जितने भी फार्मूला 1 के चैम्पियनशिप्स हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, किसने जीता है उसे, किस टीम से संबंधित हैं और किस देश से संबंधित है, ये सारी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। देखिए मैक्सिमम जितने भी टाइटल हैं 2020 के वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है जो काफ़ी फेमस और पॉपुलर भी हैं। वो किस टीम की तरफ से खेलते हैं, मर्सिडीज, और किस देश से संबंधित है, यूके। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे, बीजेपी से हैं ये, और जिनका हाल ही में निधन हुआ है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये पॉलिटिशियंस में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये एग्जामिनेशंस का पार्ट्स में भी ये हो सकते हैं। तो देखिए इनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ बीजेपी जसवंत सिंह सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड ऑल्सो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब इन सारे पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस मिनिस्टर देख चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये सारे विभाग में ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा 4 times एंड टू राज्यसभा 5 times एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द अपर हाउस। मतलब ये 4 बार लोकसभा से चुने जा चुके हैं, 5 बार राज्यसभा में। ही वॉज एन डी एस नॉमिनी इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2012 में वाइस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में NDA की तरफ से नॉमिनी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जिम्बैक्स। ठीक है, जिम्बैक्स जो होता है उसका फुल फॉर्म है इंडिया जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिम्बैक्स के 4th संस्करण की शुरुआत उत्तरी अरब सागर में हुई है। भारत और जापान के बीच होने वाला समुद्री बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है CSIR। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 26 सितंबर को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने 26 सितंबर को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। ये जो राशि घोषित की गई है वो बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए है,
जो भारत की तरफ से सहायता दी गई है श्रीलंका को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभय ने अपनी स्थापना के 3 साल पूरे किए हैं। सौभय योजना इलेक्ट्रिफिकेशन करने को लेके है जो अपने 3 साल पूरे कर चुका है। अब आइए देखते हैं कि ये जो सौभय योजना है इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च दिस स्कीम ऑन 25 सितंबर 2017 टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल व्हीलिंग हाउसहोल्ड इन द कंट्री इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2017 में, ठीक है। कि क्या इसका उद्देश्य था, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल व्हीलिंग हाउसहोल्ड इन द कंट्री इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। गांव के साथ साथ शहरों को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए पूरे तरीके से, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। द स्कीम वॉज स्टार्टेड विद द आउटले ऑफ 16,320 करोड़ रुपीज। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट द आउटले फॉर द रूरल हाउस होल्ड इज ओवर 14,000 करोड़ रुपीज, वाइल फॉर द अर्बन हाउस होल्ड द आउटले ऑफ 2,295 करोड़ रुपीज। मतलब कि जो 16,320 करोड़ रुपए लगाया गया है इस स्कीम में, उसमें से 14,000 करोड़ रुपए रूरल हाउस होल्ड को दिया गया है, मतलब ग्रामीण एरिया को दिया गया है, और बाकी के जो बचे हुए हमारे 2,295 करोड़ रुपए हैं इनको शहरी घरों को विद्युतीकरण करने के लिए खर्च किया गया है। नेक्स्ट है, एज मैनी एज ओवर 2,62,00,000 हाउस होल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सो फॉर अंडर द सौभाग्य स्कीम, ठीक है। तो देखिए जो सौभाग्य स्कीम थी इसके अंतर्गत 2,62,00,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और डेनमार्क के बीच में बौद्धिक संपदा को लेकर एक MOU साइन किया गया है। ADB ने शहरी परियोजनाओं के लिए राजस्थान को $300 मिलियन और मध्य प्रदेश के लिए $270 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ADB ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को शहरी परियोजनाओं को लेके लोन दिया है। राजस्थान को $300 मिलियन और मध्य प्रदेश को $270 मिलियन। देखिए नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ऐसे इंटरनेशनल संगठन जिनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, तो किन किन संगठनों का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में रखा गया है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसे क्या है, देखिए। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में ही है। एंड लास्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका भी हमारा हेडक्वार्टर वियना में ही है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक हो सकता है ये। आई होप आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आता होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हमसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।